आप देख रहे हैं SGM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीशहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और एक सिल्ली खाने का रोड का इलाका कहलाता है और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज तिरंगा रैली चल रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जहां तक हम समझते हैं मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं हर मोहल्ला हर चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा है। एक बहुत गर्व की बात है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो विकास से ताल्लुक थी, वो बातें भी बहुत खुल के सामने आ रही हैं, आलोचना भी हो रही है। चलिए आज लोकशाही माध्यम में सबको बोलने का अधिकार है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका पूरा नाम बोलिए, पद बोलिए सबसे पहले। हाँ जी, इज़्ज़त कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष, और हमने आज 75 सालगिरह मनाई। स्वागत करें। इस मौके पर क्या क्या कार्यक्रम आपके पास है? ये अभी इस मौके के अंदर हमारे पास जो है तो बच्चों को अपना झंडा बंधन करें, हर साल हम करते आ रहे हैं और अभी भी करें और इंशाल्लाह और करते रहेंगे, और बच्चों को मिठाई बांटे, पेड़ बांटे। इस मौके पे देशवासी को संदेश देंगे आप आने वाले नए नए राजनीतिक तौर पर? आज 75 साल की पूरे चौ तरफ मनाया गई है, पूरे इंडिया के अंदर हर मुस्लिम, सिख ईसाई दलित भाई, हिंदू मुस्लिम, हम सब एक हैं। सेक्युलर पार्टियों को मजबूत करो, आज वक्त की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी जो है ये एक पार्टी बिल्कुल नेशनल पार्टी है, और ये इंशाल्लाह इनके अंदर कोई महंगाई नहीं रही, कुछ नहीं रही, पूरे लोग गोर गरीब खुश थे। सर, आज यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, 75 सालगिरह है, कैसा पाते हैं और आपका पैगाम क्या है? ये जो है तो भाई देश आज़ाद हो गया, आज जो तो 75वां जो है तो ये दिवस है, और 75 दिवस के ऊपर आज 75वां साल जो है तो धूमधाम से जो है तो इसको जो है तो मनाया गया है। और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जानिब से, कुरैश बिरादरी सिल्ली खाने की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी जो है तो झंडा जो है तो इस साल भी लहराया गया, और हमारे कुरैश बिरादरी के सभी जिम्मेदार छोटे बड़े सभी समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज के इसमें लोग थे, और सबों ने मिल के जो है तो झंडे को जो है तो हर साल की तरह इस साल भी जो तो लहरा है। इसी तरह से जो है तो ये 75वां साल जो है तो हमारा 75वां साल जो तो मनाया गया, इसी के अंदर हमारे जो है तो उलमाए कराम जो अल्लाह वाले जो थे इन्होंने जो है तो इसके अंदर इनकी कुर्बानियाँ रही, और इसी आज़ादी के अंदर जो है तो इसमें जो है तो हमारे उलमाए कराम की कुर्बानी रही, इसके अंदर जो है तो हर समाज की जो है तो उसमें कुर्बानी रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने मिल के इस देश को आज़ाद किया। हम जो तो इस मुबारक मौके के ऊपर पूरे जो है तो इंडिया के नागरिकों को सबको इसका शुभकामना देती है। मैं एडवोकेट अजीम कुरैशी, आज हिंदुस्तान में 75 साल आज़ादी के पूरे होने के मौके पर पूरे देश में आज़ादी का पर्व, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, और यहाँ खुसूसी बात ये है कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के जो औरंगाबाद के ज़िला अध्यक्ष है हाजी ईसा कुरैशी साहब, उन्होंने आज राष्ट्रध्वज को सलामी दी सुबह में और राष्ट्रध्वज लहराया। और ख़ास बात यह है कि हमारे कुरैश बिरादरी के जो सदर है ये इन्होंने इसकी शुरुआत रखी, 2-3 साल से आज शुरू हुआ ये मौका, और ये मौका बड़ा अहम था। 75 साल भी पूरे हो गए इस विशेष मौके पे, इसलिए भी ख़ास था, इसलिए हम आज सब ने मिल के खूब जोशो खरोश से इसको 75 साल की इस आज़ादी के महोत्सव को मनाया, और आगे हम चाहते हैं कि आने वाला साल पूरे देशवासियों के लिए एक खुशहाल साल जाए, पूरा खुशहाली के साथ साल गुजरे, यही शुभकामनाएं मैं देशवासियों को देता हूँ इस मौके पे। जय हिंद। मेराज कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से पूरे अपने इंडियन लोगों को 75वीं सालगिरह हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देशवासियों को मेरी तरफ से मुबारक। मैं ये 75वीं सालगिरह को सब देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और सभी इस तरीके का मनाते रहे हर साल। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा ये हिंदुस्तान को जो आज 15 अगस्त यहाँ पर जो 75 साल का जो सालगिरह मनाया गया है, और पूरे हिंदुस्तान में बड़े जश्न से मनाया गया है, और इसी के साथ साथ आज ये जो 15 अगस्त जो यहाँ पर है तो आज ये सभी एकता का पैगाम देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और इसी के साथ साथ जो आज हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश औरंगाबाद जो यहाँ पर हमारे जिम्मेदार हाजी ईसा साहब हैं,
और हम यहाँ पर मैं कलीम कुरैशी और बाकी जिम्मेदार हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए, वाके साहब और हाजी साहब और हमारे दूसरे इधर जिम्मेदार भी यहाँ तशरीफ लाए इस जश्न मनाने के लिए। तो आज हमने सिल्ले खाने के अंदर हमारे ऑल इंडिया जमीतुल कुरैश औरंगाबाद की जानिब से यहाँ पर हमने यहाँ पे 75वां 15 अगस्त यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ पर तिरंगा लहराया है। इसी के साथ साथ मैं पूरे हिंदुस्तान को शुभकामनाएं देता हूँ। खुदा हाफिज़।